आठवीं बोर्ड परीक्षा एग्जाम का टाइम टेबल हुआ जारी। 21 मार्च से शुरू होगी परीक्षाएं। मुखबिर स्कूलों का अलग है टाइम टेबल। 11 अप्रैल को समाप्त होगी परीक्षा। सामान्य टाइम टेबल विद्यार्थी मुखबिर विद्यार्थियों के लिए अलग, मुखबिर छात्राओं के लिए 21 मार्च से शुरू होगी, 8 मार्च अप्रैल तक होगी समाप्त। झुंझुनू के पिलानी में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी का संकट शुरू। महिला पहुंची जलदाय विभाग, कार्यालय जलापूर्ति सुधारने को लेकर दिया अल्टीमेट। पिछले 6 माह से भीषण पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं ग्रामीण। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मंदिर में चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक ने चोरी करना किया कबूल। पूछताछ में युवक ने चोरी किए पैसों से अपनी बुआ के भरा भात। युवक से पुलिस कर रही है मामले की जांच। वहीं युवक को एक दिन के पीछे रिमांड पर लिया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट रघुवीर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। वन विभाग की टीम कर रही है आगे की कार्रवाई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी गुड्डा गोर्जी में सिक्कर के राजू ठेठ हत्याकांड में शामिल आरोपी मनीष उर्फ बच्चिया आरोपियों को हथियार सप्लाई करने हार्ड कोर्ट को गुड्डा गोर्जी पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में उदयपुर वाटी न्यायालय में पेश किया है। उसके बाद एक दिन के पीछे रिमांड पर भेजा। कल न्यायालय में फिर से पेश किया जाएगा। आरोपी को अजमेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। झुंझुनू के गुड्डा गोर्जी में दूसरे दिन भी बच्चों से भरी बस सड़क किनारे गड्ढे में हादसे के शिकार होते बाल बाल बच्चे। गुड्डा गोर्जी के निजी स्कूल IBN स्कूल की गाड़ी पलटी खाती बाल बाल बच्ची। बस में सवार बच्चों को सही सलामत उतार लिया गया। खटारा बसों की आए दिन झुंझुनू जिले में सवते ही स्कूलों की बसों की पोल खुल रही है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में वकीलों ने जोधपुर के वकील जुगराज मटोलिया की हत्या के विरोध में कार्य बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। पूरे प्रदेश में आए दिन हो रही घिनौनी हरकतों से पूरा प्रदेश भयभीत है। प्रदेश में बढ़ रही ऐसी घटनाओं को लेकर वकीलों में आक्रोश है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी भैरूघाट में टायर में हवा डालते समय टायर फटने से 2 की हुई मौत। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को किया सुपुर्द। कल देर शाम को टायर में हवा भरते समय हुआ था हादसा। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी अर्जुन अवॉर्डी बबीता फोगाट आई झुंझुनू। ABB के जिला स्तरीय सम्मेलन संगनाथ में की शिकरत। ABB के जिला कार्यकारिणी सहित भाजपा जिला प्रवक्ता कमल कांत शर्मा, पूर्व सांसद संतोष अहलावत सहित कई गणमान्य खिलाड़ी का किया सम्मान। रिश्वत कांड में 1 महीने बाद जेल से हाईकोर्ट की जमानत पर रिहा होकर आई प्रधान माया गुज्जर के समर्थकों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। पूर्व विधायक सुपकर्ण चौधरी ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।